मसाज तो हो रही है, मालिश तो हो रही है मंत्री जी की जेल के अंदर, या नहीं हो रही मालिश? अब ये भी मोदी जी ने करवा दी क्या मालिश? आज अगर शशि यादव जूतता है तो हम वचन देते हैं कि रोहिंग्या मुस्लिम का वो सेंटर नहीं बनने देंगे। बीजेपी का तूफान चल रहा है, दिल्ली की सबसे बड़ी जीत छावला वार्ड से होगी, यही कल्पना हमारी है कि सबसे स्वच्छ वार्ड हो, सबसे सुंदर वार्ड हो। शशि यादव, शशि यादव, शशि यादव, शशि यादव। और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार राजनीति में हलचल मच गई है। तो आज हम मौजूद हैं दिल्ली के छावला वार्ड 125 में, जहां पर एमसीडी चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशी शशि यादव का प्रचार चल रहा है, रैली निकल रही है, आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि वो दिखाए किस जोरों शोरों से शशि यादव का जो है प्रचार किया जा रहा है। हजारों लोग इसमें इकट्ठा हुए हैं, साथ ही बैंड की व्यवस्था इसमें की गई है, ढोल नगाड़ों की व्यवस्था की गई है, साथ ही आदमियों के साथ साथ यहां पर महिलाओं की भी तादाद शशि जी के सपोर्ट में उतरी है। तो आप देख सकते हैं, क्या लगता है, क्या इस बार भी यहां से निर्दलीय पार्टी जीतेगी? क्योंकि देखा गया है कि यहां से हमेशा निर्दलीय ही जीतती आई है। ये ऐसी भ्रांतियां हैं, जिस बूथ पर हम चल रहे हैं बीजेपी दुर्गा विहार में हमेशा जीतती आई है, और पूरे वार्ड की बात करें बीजेपी यहाँ बहुत मजबूत है। विधानसभा में जो ये जो हमारे बूथ हैं यहाँ से जीत के गई थी, निर्दलीय पार्टियाँ कुछ ना कुछ अटरम शटरम करके और कुछ गलत जो उन्होंने हमेशा अपना चुनावी प्रचार किया है उसके कारण जीती थी। इस बार जनता 15 साल से जो निर्दलीय यहाँ प्रत्याशी जीतते आए हैं उसके खिलाफ बहुत रोष में है। आप गलियाँ देख सकते हैं, नालियाँ देख सकते हैं पूरे क्षेत्र की, बीजेपी का तूफान चल रहा है। दिल्ली की सबसे बड़ी जीत छावला वार्ड से होगी, आप आज लिख लीजिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा 7 तारीख को, फिर हम सभी यहीं खड़े होकर आपको लड्डू खिलाएंगे सबसे बड़ी जीत के। आप पार्टी कहती है कि जो बीजेपी 27 साल में कुछ नहीं कर पाई, तो क्या इस बार बीजेपी कुछ कर रंग दिखा पाएगी? बीजेपी की बार बार सरकारें क्यों आ रही है? क्योंकि वो काम कर रही है। अब भी देख लेना, फिर से बीजेपी अपनी सरकार को दोहरा रही है। आम आदमी पार्टी परेशान हो चुकी है। आम आदमी पार्टी को खुद अपनी सत्ता बचाने के लिए केजरीवाल को कहना पड़ा, कभी बीजेपी भाग रही है चुनाव से। आज देखा, चुनाव हो रहा है, एमसीडी एक करके हो रहा है, एमसीडी को मजबूत करके हो रहा है, तो फिर बीजेपी की सरकार आ रही है पूरी दिल्ली के अंदर, एमसीडी के अंदर और छावला वार्ड के अंदर भी। शशि जी, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या सुविधा देने वाले हैं जनता को? वही जो एक एमसीडी के निगम पार्षद के नाते मुझे करनी चाहिए। हम कल्पना करेंगे देश के सबसे स्वच्छ सबसे सुंदर वार्ड की, यही कल्पना हमारी है कि सबसे स्वच्छ वार्ड हो, सबसे सुंदर वार्ड हो। और क्या सुविधा, मतलब जिस तरीके से आम जनता के बीच हम पहुंचे थे, तो पानी बिजली की समस्या से जो जनता है बहुत जूझ रही है, तो क्या वो समस्या उनकी दूर हो पाएंगी? पानी बिजली की समस्या दिल्ली सरकार की है, और ये आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी। आप जब भी किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, हर आदमी कहेगा यहाँ सड़कें नहीं बनी हुई, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है। गाँव में जाऊँगे तो पंचायत घर दिखाए जाएंगे, कम्युनिटी सेंटर दिखाए जाएंगे। इसका मतलब है दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार के कामों से त्रस्त है, और यही एक कारण है कि बीजेपी की सरकार फिर से आ रही है। आम आदमी पार्टी की 8 साल में सरकार कोई काम नहीं कर पाई। आप पार्टी ये भी कह रही है कि जिस तरीके से आज आपका कपिल मिश्रा जी सपोर्ट करने के लिए उतरे हैं, तो उनका ये भी कहना है कि ये उनका एक प्रोपोगंडा है जनता को लुभाने के लिए। देखो, आम आदमी पार्टी सही कहती है, राम मंदिर बनाना हमारा प्रोपोगंडा नहीं, हमारा विजन था, हमारा लक्ष्य था, हमने बनाया। धारा 370 हटाना हमारा लक्ष्य था, हमने हटाई। भगवान श्री राम के नाम की ख्याति को, भगवान श्री राम के मंदिर को बनाना ये हमारा स्वप्न था। प्रोपेगेंडा दूसरों के लिए होता है, जो मंदिर निर्माण पे तो विरोध करते हैं कि हॉस्पिटल बना दो, प्रोपेगेंडा आम आदमी पार्टी का, और फिर जब राम मंदिर बन जाता है तो
कि राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। प्रोपेगेंडा उनके लिए है, हमारे तो मन में राम है, हमारे तो अंदर हिंदुत्व है, उसको हमने गोलियां खाई हैं, हमने शहादतें दी हैं इस चीज़ के लिए। प्रोपेगेंडा उन लोगों के लिए जो चुनावी समय में झूठे वादे करते हैं, झूठे तीरथ लेके जाते हैं। हमारे अंदर तो रोम रोम में वही धर्म है, वही राम है, तो हमारे ये तो हमारा चरित्र है, हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी जागरूक होकर MCD केंद्र के अधीन है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और विकास की लहर लाएं। तो मैं बता दूं कि शशि जी यहां पर, शशि जी का सपोर्ट करने के लिए कपिल मिश्रा जी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं, जो उनका यहां पर सपोर्ट करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज जो है BJP के द्वारा 14 रोड शो किए गए, जिसमें से एक था शशि यादव जी का, जिसमें उनका सपोर्ट करने के लिए आज यहां पर मौजूद होंगे कपिल मिश्रा जी। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहां पे थोड़ी देर में कपिल मिश्रा जी आने वाले हैं, तो वो अभी यहां आ चुके हैं और करते हैं उनसे खास बातचीत। BJP पुनः नगर निगम में पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आ रही है, और दिल्ली वाले पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार और अहंकार दोनों सामने आ रहा है, उसके बाद ये निश्चित है। और ये पब्लिक सपोर्ट जो ग्राउंड पे दिख रहा है, ये बता रहा है कि भाजपा जीत रही है। हाँ, ये बात तो सच है कि हम नहीं करते, हम जेल में कैदियों को मसाज नहीं दिलवाते हैं, हमारे मंत्री जेल में बंद नहीं होते। अगर हम कुछ कर रहे होते तो हमारे भी मंत्री जेल में बंद हुए होते। तो ये हवा में जो जहर घुला हुआ है, पराली नहीं जलवा रहे हैं हम लोग, पानी में जहर नहीं घोल रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये सही कह रहे हैं वो। मनीष सिसोदिया ने एक वीडियो जारी किया, उन्होंने कहा कि जो वो वीडियो वायरल हुई है, वो बीजेपी, वो आप पार्टी बीजेपी की एक रणनीति है लोगों को अपनी और मतलब इसको गलत दिखाने का। नहीं तो मसाज तो हो रही है, मालिश तो हो रही है मंत्री जी की जेल के अंदर, या नहीं हो रही मालिश? अब ये भी मोदी जी ने करवा दी क्या मालिश? देखिए, बात हंसी की है लेकिन बात गंभीर है। अगर सत्येंद्र जैन के साथ ये हो रहा है, तो इसका मतलब सुकेश चंद्रशेखर जो बोल रहा है वो सारी बातें सच है। इसका मतलब आप तिहाड़ में अपराधियों को शरण दे रहे हैं। जेल को जैसा होना चाहिए, जेल तो अब महल बन गया, रिजॉर्ट बन गया है। और मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जेल की ये सुविधाएं केजरीवाल जी और सिसोदिया जी को भी मिले बहुत जल्दी, ऐसी शुभकामनाएं हैं। आप कहती है कि बीजेपी 27 साल से कुछ नहीं कर पाई। 27 साल से गुजरात में क्यों जीत रहे हैं अगर नहीं करते तो, और 15 साल से दिल्ली में क्यों जीत रहे हैं? उनके पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा है दिल्ली में। और आज दिल्ली की जनता शराब के ठेके, भ्रष्टाचार, धोखा, झूठ, छल, अपराध, काला धन, हवाला, इनके मुद्दों पे वोट करने जा रही है नगर निगम में 4 तारीख को। जी, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये वही क्षेत्र है जिस क्षेत्र के नानाखेड़ी में अरविंद केजरीवाल रोहिंग्या मुस्लिम को बिठाने के लिए एक स्कूल को पूरा वो उनका रोहिंग्या मुस्लिम का सेंटर बनाना चाहते थे। शशि यादव और जो लोकल लोग थे उनके संघर्ष के कारण वो रुका। आज अगर शशि यादव जीतता है तो हम वचन देते हैं कि रोहिंग्या मुस्लिम का वो सेंटर नहीं बनने देंगे। शशि जी, और जो पार्टियां हैं उनसे अलग क्या ऐसा काम करेंगे जो जनता को लुभा पाए? देखिए, युवा है, आप लोगों के बीच में पिछले 15 साल से, जब से वो, आज उसकी उम्र 32 साल है, 17-18 साल का जब तो वो था, तब से लोगों के बीच में है, लोगों के बीच संघर्ष कर रहा है, आप लोगों के मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जब यहाँ के खिलाड़ियों को सुविधाएं चाहिए थी तो ये शशि यादव था जो लड़ रहा था। जिस तरीके से आप आज इनके सपोर्ट में हैं, तो लगातार आप पार्टी कह रही है कि ये इनका प्रोपोगंडा है लोगों को बेवकूफ बनाने का। देखिए, प्रोपोगंडा तो आज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं झूठ का, आज उस सबको लोगों ने जवाब देना है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने झूठ की राजनीति की है, भ्रष्टाचार की राजनीति की है, और जेल के अंदर जो वो उनको मसाज दे रहे हैं, वो मसाज हमारे टैक्स के पैसे से दे रहे हैं। जो सत्येंद्र जैन के तेल मालिश हो रही है, वो दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से हो रही है, दिल्ली का टैक्स पेयर उसका जवाब देगा। तो अब देखना होगा कि क्या उनकी ये रणनीति या उनका ये प्रचार लोगों को लुभा पाएगा। जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ, शिवानी मांगवानी कैमरामैन प्रताप के साथ।